हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉररलैंड। आज मैं जिस मूवी को आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है बीवेयर, और ये मूवी 2010 में रिलीज हुई थी। ये मूवी एक ऐसे किलर के बारे में है जो कि चेन से बांधकर लोगों को बड़ी बेरहमी से मार दिया करता है। और क्या कोई उस खतरनाक किलर से बच पाएगा? क्या अगर किसी को सालों तक जानवर की तरह चेन से कैद करके रखा जाए तो उसके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा? क्या वो एक नॉर्मल इंसान बन पाएगा या फिर वो एक खतरनाक साइको किलर बन जाएगा? यही हम आज की इस कहानी में देखेंगे। वार्निंग, वेलकम टू हॉररलैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक रात से, जहां पर दो कपल एडवार्डो और टेरेसा अपनी कार में एक जंगल की तरफ आए हुए थे। वे लोग उस जंगल में पहली बार आए हुए थे। एडवार्डो टेरेसा को एक रिंग देकर वहीं पर शादी के लिए प्रपोज करता है, और टेरेसा भी उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तभी उनको कार के सामने एक लड़की दिखाई देती है जो कि खून से लथपथ थी और जख्मी भी थी। टेरेसा के मना करने के बाद भी उस लड़की की मदद करने के लिए एडवार्डो अपनी कार से उतर जाता है और वो लड़की की तरफ आगे बढ़ता है। टेरेसा भी कार से उतर जाती है और अचानक कोई मास्क पहने हुए किलर उसके पीछे से टेरेसा की गर्दन मरोड़कर उसे मार डालता है। एडवार्डो जब पीछे मुड़कर देखता है तो लड़की पागलों की तरह उसके सामने चिल्लाकर आती है, और वही मास्क पहने किलर उसे एक पत्थर से मार मार कर एडवार्डो को भी जान से मार डालता है। अब अगले सीन में हम कुछ न्यूज़पेपर की हेडलाइन और एक न्यूज़ रिपोर्टर को देखते हैं जो कि इन्हीं मर्डर्स को कवर कर रहा था। यहीं से हमें पता चलता है कि एडवार्डो एक पुलिस ऑफिसर का बेटा था, और कोई किलर चेन से विक्टिम को बांधकर उनको टॉर्चर करके ब्रूटली मार डालता है, और आज तक इतना ब्रूटल मर्डर वहाँ के टाउन में कभी भी नहीं हुआ था। कहानी फिर 5 साल के बाद से शुरू होती है, जहाँ पर हमें 5 दोस्त बेला, डिमार्को, अरियाना, जीन और गोंग दिखाई देते हैं। ये सभी लोग एक ट्रिप पर जा रहे थे। डिमार्को इस ट्रिप के बाद में दूसरी सिटी जाने वाला था, तो इसीलिए एक साथ उनका ये लास्ट ट्रिप होने वाला था। इस लास्ट ट्रिप में वे सभी बिना कोई झगड़ा किए अच्छे से ट्रिप को एंजॉय करने की सोचते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दो दोस्त मोई और जैस जंगल में एक नशीली प्लांट को लेने के लिए आए थे, लेकिन प्लांट बहुत ही छोटा था, तो इसीलिए दोनों वहां से निकलने लगते हैं। तभी जैस को किसी के आसपास होने का एहसास होता है, और इस जगह पर 5 साल पहले वो सभी मर्डर हुए थे, जिससे कि दोनों फौरन डरकर वहां से भाग जाते हैं। जैस जाकर पुलिस ऑफिसर अलेक्जेंडर से जंगल में किसी को देखने की बात कहता है, लेकिन दोनों ने ही नशे किए हुए थे, तो इसीलिए अलेक्जेंडर उनकी बात पर विश्वास नहीं करता है। और तब जैस सबूत लाकर ही पुलिस के पास वापस आने की बात कहता है और वहां से चला जाता है। अब इस तरफ उन 5 दोस्तों की कार खराब हो जाती है, और रास्ते में उनको पुलिस ऑफिसर अलेक्जेंडर मिलता है जो किसी चीज का मीट रास्ते से उठा रहा था। फिर गैरेज के बारे में पूछने पर अलेक्जेंडर उनको स्मिथ के गैरेज के बारे में बता देता है। वे सभी रोड के पास स्मिथ के गैरेज में रुकते हैं, और फिर डिमार्को गैरेज के मालिक जॉर्डन को कार ठीक करने को कहता है, और जॉर्डन बहुत ही अजीब और एक बदतमीज आदमी था। बेला जब बाथरूम में जाती है तो वहां पर रस नाम का एक अजीब दिखने वाला आदमी बाथरूम में घुसने की कोशिश कर रहा था, और बेला के डांटने पर रस वहां से चला जाता है। फिर इस तरफ उसी गैराज में लोरा नाम की एक खूबसूरत लड़की आती है जो कि जीन को बहुत पसंद आती है, और लोरा यहाँ पर जॉर्डन को देखकर अनकंफर्टेबल होकर बाहर जाने लगती है, लेकिन वो गलती से जीन से टकरा जाती है, और यहाँ पर उन दोनों के बीच में कुछ बातें होने लगती है। लोरा फिर बाहर जाकर कार में बैठ जाती है, और वहां पर जॉर्डन उसे बात करने आता है। जॉर्डन लोरा से किसी को लाने की बात कर रहा था, और जॉर्डन की बात सुनकर लोरा परेशान दिख रही थी। ये बात जीन नोटिस करता है और लोरा के पास आता है, और तब जॉर्डन वहां से चला जाता है। अब यहाँ पर उनको ये पता चलता है कि उनकी कार कल तक ठीक हो पाएगी, और 10 मील दूर उनको एक होटल मिलेगा रात को रुकने के लिए। लोरा उन सभी को होटल तक लिफ्ट ऑफर करती है, और सभी लोरा की कार में बैठ जाते हैं। लोरा उनको रात के लिए उसके ही घर में रुकने को कहती है, क्योंकि वो होटल एक अबैंडन जगह पर था, और वो होटल काफी अच्छा भी नहीं था। सभी लोरा की बात मानते हैं और उसके घर में रात को रुकने के लिए मान जाते हैं। अब इस तरफ रूस जंगल में बैठकर ड्रिंक कर रहा था, और अचानक वही मास्क किलर वहां पर आकर चेन से उसका गला घोटकर उसको जान से मार डालता है, और चेन की वजह से रस का गला कटकर अलग हो जाता है। उसी रात फिर जेस और मोई जंगल में जाते हैं, और उनका प्लान था कि उन्होंने जिस अनजान आदमी को जंगल में देखा है उसका वीडियो बनाएंगे, लेकिन वे दोनों ही किलर का शिकार बन जाते हैं। किलर उनको एक पेड़ पर चेन के साथ बांध देता है, और फिर एक हथियार से उनके पेट को काट डालता है।
जिससे कि उनके पेट के अंदर के इंटेस्टाइन बाहर आ जाते हैं और जेज और मो दोनों तड़प तड़प कर मार जाते हैं और फिर किलर उनका कैमरा भी तोड़ देता है। यहाँ पर हम उस पुलिस ऑफिसर अलेक्जेंडर को देखते हैं जो कि बहुत सालों से उस किलर का पता लगा रहा था लेकिन उसको वो किलर नहीं मिला था। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि एडवार्डो अलेक्जेंडर का ही बेटा था। तो अब अलेक्जेंडर को उन पांच दोस्तों की फिक्र हो रही थी और कॉल करके स्मिथ को उन लोगों के बारे में पूछता है। स्मिथ अलेक्जेंडर को उसी होटल के बारे में बताता है क्योंकि स्मिथ ने उनको उसी होटल में जाने को कहा था। अलेक्जेंडर फिर उनका पता लगाने के लिए उसी होटल में जाता है लेकिन उसको वहाँ पर वो लोग नहीं मिलते हैं। यहाँ पर अब सभी लोरा के घर पर रात के डिनर को एंजॉय कर रहे थे और डिनर के बाद में बेला एक जगह पर अकेली बैठी थी क्योंकि कुछ ही दिनों में डिमार्को उसे छोड़कर दूसरे सिटी जाने वाला था ताकि वो वहाँ पर जाकर जॉब कर सके। डिमार्को बेला को उस पर भरोसा रखने को कहता है और ये भी कहता है कि वो कभी भी उसे धोखा नहीं देगा। फिर कुछ देर के बाद सभी लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि लोरा 18 साल की एज से ही इस घर में अकेली रह रही है। उसके फादर उसकी माँ को छोड़कर मैक्सिको चले गए थे और फादर के छोड़ने की वजह से उसकी माँ की भी मौत हो गई थी और तभी से वो अकेली रहा करती है। तभी एरियाना ये नोटिस करती है कि वे लोग उसी शेडीग्रे वाली जगह पर आए हुए हैं जहाँ पर कुछ साल पहले ब्रूटल मर्डर हो गए थे। दोस्तों अगर आपको शेडीग्रे के बारे में नहीं पता है तो मैं उस मूवी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में दे दूंगा जहाँ पर आपको शेडीग्रे के बारे में पता लग जाएगा। तो चलिए अब आते हैं वीडियो में। वे सभी लोग शेडीग्रे वाली जगह पर थे जहाँ पर पहले ब्रूटल मर्डर हुआ करते थे और यहाँ पर किसी छोटे लड़के को चेन से बांध कर रखा गया था। वो सभी वहाँ की स्टोरी सुनाने के लिए लोरा को जिद करने लगते हैं और लोरा उस बारे में बातें नहीं करना चाहती थी लेकिन उनकी जिद करने पर लोरा उनको उस जगह की रियल स्टोरी बताती है। वो बताती है कि कुछ साल पहले वहाँ पर जोना नाम का एक एरोगेंट आदमी रहा करता था जो कि हर टाइम नशे में डूबा रहता था। अब एक दिन वो अपने घर पर आकर उसकी वाइफ और मिलाना को उसके बॉयफ्रेंड हैंक के साथ में इंटीमेट होते हुए देखता है। दोनों के बीच में झगड़ा होता है और तब उसको पता चलता है कि एलेक्स उसका बेटा है ही नहीं, वो भी हैंक का बेटा है। इस बात को सुनकर गुस्से में जोना हैंक का गला दबाकर उसे मार डालता है और बेसबॉल बैट से मिलाना को भी पीट पीट कर उसकी जान ले लेता है। ये सब अलेक्जेंडर भी देख लेता है और अलेक्जेंडर डर कर भागने की कोशिश करता है लेकिन जोना उसे पकड़कर एक केज में बंद कर देता है। कुछ देर के बाद में जोना एलेक्स के हाथों में चेन लगाकर उसको एक पेड़ से बांध देता है और मिलाना और हैंक की बॉडी को पेड़ के पास ही दफना देता है और एलेक्स ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। एलेक्स को कभी भी जोना ने आज़ाद किया ही नहीं और एलेक्स को जो भी मिलता था वो उसी को खाकर बड़ा हुआ था। वो एक जानवर बनता जा रहा था और चेन की वजह से उसके हाथों की चमड़ी भी सड़ गई थी और एलेक्स अपनी स्किन को भी खा रहा था। अब कुछ साल के बाद में वहाँ पर लोरा अपने दोस्तों के साथ में गई थी। उसने किसी से एलेक्स की स्टोरी सुनी थी और एलेक्स को चेन से आज़ाद करने के लिए लोरा अपने दो दोस्त मारिया और सेम के साथ में जंगल में गई थी। कुछ देर बाद उनको एलेक्स मिल भी गया था लेकिन चेन से बंधे होने की वजह से एलेक्स उन पर हमला नहीं कर पाता है। एलेक्स भी बहुत बड़ा हो गया था और किसी राक्षस की तरह दिख रहा था लेकिन यहाँ पर सैम और मारिया एलेक्स की मदद करने से पहले उसको परेशान करने लगते हैं। कुछ देर के बाद में वे सभी शराब के नशे में आ जाते हैं और नशे की हालत में सैम गलती से एलेक्स के पास में चला जाता है और एलेक्स उस पर हमला कर देता है। ये सब कुछ लोरा ने अपनी आंखों से देखा था। इस इंसिडेंट से वो इतनी ज़्यादा डर गई थी कि वो आगे इस बात को नहीं कहती है और घर के अंदर चली जाती है। असल में लोरा वही लड़की थी जिसको टेरेसा और एडवार्डो ने अपनी कार के सामने जख्मी हालत में देखा था। जॉर्डन यहाँ पर लोरा के घर पर घूम रहा था और उसी टाइम अलेक्जेंडर वहाँ पर आकर उसको वहाँ से जाने को कहता है क्योंकि लोरा ने जॉर्डन के खिलाफ केस किया हुआ था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अलेक्जेंडर और जॉर्डन दोनों ने किसी अपने को उस किलर के हाथों खो दिया है। अलेक्जेंडर के जाने के बाद में जॉर्डन वहाँ से जाने वाला था लेकिन वही मास्क किलर पीछे से आकर जॉर्डन के सर पर कुल्हाड़ी घुसाकर उसे मार डालता है। जॉर्डन के मरने के बाद भी किलर जॉर्डन पर कई बार वार करता है और यहाँ पर हम किलर के हाथ में एक चेन को भी देख पाते हैं। दूसरी तरफ बेला अपने बॉयफ्रेंड डिमार्को को अरियाना के साथ में गलत तरीके से बाथरूम में देख लेती है और वो गुस्से में घर के बाहर जाती है और डिमार्को बेला को मनाने उसके पीछे जाता है। बाहर डिमार्को बेला को मनाने की बहुत कोशिश कर रहा था लेकिन बेला उसकी कोई भी बात नहीं सुनती है। तभी बेला देखती है कि वही मास्क किलर डिमार्को के पीछे खड़ा है और उसके हाथ में एक हथियार भी है। बेला डिमार्को को वार्न कर पाती उससे पहले ही वो किलर
डिमार्को का एक पैर काट डालता है और फिर किलर डिमार्को पर कई बार वार करके उसके टुकड़े टुकड़े करके उसकी जान ले लेता है और किलर के वार की वजह से बेला भी वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब इस तरफ जीन लोरा से बात करके उसको कम्फर्ट कर रहा था और दोनों की ही मदर उनके बचपन में ही मर चुकी थी। बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, लेकिन कुछ ही टाइम में किसी कारण की वजह से लोरा जिन को खुद से दूर कर देती है और दोनों अब नॉर्मली बातें करने लगते हैं। इधर गैंग और अरियाना एक दूसरे के साथ में इंटीमेट हो रहे थे और कुछ ही देर में अरियाना बाथरूम में चली जाती है। बाथरूम में ही वो मास्क किलर छुपा हुआ था और तेज वॉल्यूम में हेडफोन पर गाना सुनने की वजह से अरियाना को किलर के बारे में पता भी नहीं चलता है कि वो उस बाथरूम में पहले से ही है। किलर फिर एरियाना के पेट में चाकू घुसाकर वहां से चला जाता है, लेकिन एरियाना मरी नहीं बल्कि जिंदा थी। वो घसीटते हुए बाथरूम से बाहर आती है और वो गैंग को मदद के लिए आवाज लगाने वाली थी, लेकिन तभी किलर एरियाना को फिर से बाथरूम के अंदर ले जाकर उसको जान से मार डालता है। गैंग यहाँ पर तेज वॉल्यूम में गिटार बजा रहा था तो इसीलिए उसको लोरा और जीन को एरियाना के चिल्लाने की आवाज भी नहीं सुनाई देती है। उसके बाद में किलर गैंग के पास में आकर उसके गिटार का हैंडल गैंग के गले में घुसाकर उसको जान से मारता है। फिर कुछ देर के बाद जिन लिविंग रूम में गैंग की लाश को नोटिस करता है और उसको कुछ भी ठीक से समझ नहीं आता है। जिन लोरा को बाहर बुलाता है और ये सब देखकर लोरा पुलिस को कॉल करने के लिए अपने रूम में चली जाती है। उसी टाइम जिन किलर को देखता है जो कि भूमज पेला को उठाकर लेकर आया था। जिन किलर से फाइट करने जाता है, लेकिन किलर के सामने जिन टिक नहीं पाता है और किलर की मार से वह बेहोश हो जाता है। फिर कुछ देर के बाद जब बेला और जिन की आंखें खुलती है तो वे दोनों खुद को चेयर पर बंधा हुआ पाती है और उनको समझ नहीं आता है कि किलर उनको आखिर मारना क्यों चाहता है और ये किलर कौन है। किलर ने उनको बेसमेंट में बांधकर रखा हुआ था और कुछ देर बाद किलर गैंग की डेड बॉडी को दूसरे रूम में ले जाता है। उसी टाइम लोरा एक बेसबॉल बैट लेकर जिन और बेला के पास आती है और उनको लगता है कि लोरा उनकी मदद करेगी, लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि लोरा उसी किलर के साथ में मिली हुई है और किलर एलेक्स है और जिन को भी पीछे से मारकर बेहोश लोरा ने ही किया था। लोरा फिर जिन और बेला को उसी रात की बात बताने लगती है जहाँ पर एलेक्स ने सैम को बड़ी बेरहमी से मारकर वो उसको खा गया था। ये सब देखकर मारिया बहुत ही ज्यादा डर गई थी, लेकिन लोरा फिर भी नॉर्मल थी। लोरा फिर मारिया को जान से मार डालती है और एलेक्स की चेन काटकर उसको आजाद कर देती है और वो उसको अपने साथ में ले जाने लगती है। और इसके बाद फिल्म के स्टार्टिंग इंसिडेंट हुए थे जहाँ पर लोरा और एलेक्स ने मिलकर एडवार्डो और टेरेसा को मार डाला था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लोरा हैंक की बेटी है और हैंक और मिलाना के मर्डर से बचने के लिए जोना ने एक प्लान बनाया था। उसने मिलाना के नाम का एक फेक लेटर बनाया था जिसमें लिखा था कि एलेक्स हैंक का बेटा है। मिलाना और हैंक मेक्सिको भाग रहे थे और ये लेटर जोना ने जाकर लोरा की मदर केट को दिया था। केट ये धोखा बर्दाश्त नहीं कर पाई थी और केट ने ये सब सच मानकर सुसाइड कर लिया था। यहाँ पर लोरा और एलेक्स भाई बहन थे तो इसलिए लोरा ने इतने सालों के बाद में एलेक्स को ढूंढकर उसको बचाया था और तभी से ये दोनों मर्डर में एक दूसरे के साथ दे रहे थे। जिस रात लोरा ने एलेक्स को आजाद किया था उसी रात लोरा और एलेक्स ने टुकड़े टुकड़े करके जोना को मार डाला था। उस रात जोना एक प्रोस्टिट्यूट के साथ में इंटीमेट हो रहा था, वो प्रोस्टिट्यूट भी वहां पर थी तो इसलिए वो एलेक्स और लोरा के हाथों मारी गई थी। लोरा और एलेक्स अब जिन और बेला को भी मारने वाले थे, लेकिन तब तक बेला ने अपनी रस्सियां खोल दी थी। बेला एक बेसबॉल बैट से लोरा पर अटैक करती है जिससे कि लोरा बेहोश हो जाती है। बेला फिर जिन की रस्सियां खोलने लगती है तो उसी टाइम एलेक्स आकर जिन का एक हाथ काट डालता है। अब बेला ऊपर के फ्लोर की तरफ भागती है और बाथरूम में अरियाना की लाश पड़ी थी तो बेला बाथरूम में नहीं जा पाती है। एलेक्स बेला पर हमला करने ही वाला था, लेकिन खुद को बचाने के लिए बेला ऊपर के फ्लोर से जंप कर देती है और जिन को अपने साथ लेकर खिड़की से बाहर की तरफ भागती है। एलेक्स फिर लोरा के पास में जाता है और लोरा एलेक्स को किसी भी तरह जिन और बेला को मारने को कहती है क्योंकि उन दोनों ने उसको मारा था और कुछ ही टाइम में लोरा की मौत हो जाती है। जिन को एक जगह पर छुपाकर बेला हथियार लेकर एलेक्स को मारने के लिए दूसरी जगह छुप जाती है और जिन को वहीं पर एक लड़की चेन से बंधी हुई दिखाई देती है। एलेक्स तभी जिन पर अटैक करने ही वाला था, लेकिन उसी टाइम बेला एलेक्स को जख्मी करके उसको उसी रूम में बंद करके जिन को लेकर कार की तरफ भागती है। अब चेन से बंधी हुई लड़की उनसे मदद मांगती है, लेकिन वे लोग उसकी मदद नहीं कर पाते हैं और किलर गुस्से में उस लड़की के टुकड़े टुकड़े करके उसे मार डालता है। बेला जिन को कार में बिठाती है और कार की चाबी लेने के लिए फिर से घर के अंदर जाती है
जहां पर उसे न्यूज़पेपर की कुछ कटिंग्स दिखाई देती है। उसी टाइम एलेक्स रूम के अंदर आता है, जिसे देखकर बेला खिड़की से बालकनी में चली आती है और वहां से वो घर के दूसरी तरफ जाती है। इस बार एलेक्स बेला का पीछा नहीं करता है और एलेक्स बालकनी से कार के ऊपर जंप कर देता है। उसी कार में जिन था, वो जिन को मारने के लिए एलेक्स कार का ग्लास तोड़ने लगता है। तो अब कार के अंदर जिन खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एलेक्स जिन को कार से बाहर निकाल लेता है। उसी टाइम बेला भी घर से बाहर आ जाती है और एलेक्स बेला के सामने जिन का टुकड़े करके उसको जान से मार डालता है। बेला जिन को बचा नहीं पाती है और उसको अब किसी तरह खुद को बचाना था, तो बेला वहां से भाग जाती है। रोड पर बेला को पुलिस की कार नजर आती है और वहां पर पुलिस ऑफिसर एलेक्जेंडर की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। एलेक्स ने एलेक्जेंडर को भी मार दिया था और बेला उनके वॉकी टॉकी से पुलिस हेडक्वार्टर में इन सभी मर्डर के बारे में खबर दे देती है, इस उम्मीद में कि कोई तो होगा जो कि उसकी जान बचाने के लिए वहां पर आएगा। बेला फिर जंगल की तरफ भागती है और एलेक्स वहां भी उसका पीछा कर रहा था। वहां पर बेला को एक स्टोरेज रूम दिखाई देता है जहां पर छुप जाती है। फिर कुछ ही देर में वहां पर एलेक्स आता है जो कि उस स्टोरेज रूम में बेला को ढूंढ रहा था। बेला पीछे से एलेक्स पर हमला करके वहां से भाग जाती है, तो इसी दौरान एलेक्स के ऊपर ऑयल गिर जाता है और एलेक्स फिर से बेला का पीछा करने लगता है। इस बार बेला आग से जली हुई एक लकड़ी एलेक्स के ऊपर फेंक कर वहां से भागती है और एलेक्स आग में जल रहा था, लेकिन फिर भी वो बेला का पीछा करता है। इस बार एलेक्स बेला को मार ही डालता, लेकिन सही टाइम पर एक पुलिस ऑफिसर आकर एलेक्स पर कई बार गोली चलाकर उसे मार डालता है। बेला को ऐसा लग रहा था कि इस बार वो बच गई है, लेकिन उसी टाइम लोरा वहां पर आकर उसी पुलिस ऑफिसर पर हमला कर देती है और लोरा भी अभी तक मारी नहीं गई थी। लोरा बेला को भी मारने वाली थी, लेकिन बेला पुलिस की गन से लोरा पर गोली चलाकर लोरा को अब फाइनली मार डालती है। अब कुछ टाइम के बाद उस मर्डर सीन पर पुलिस एम्बुलेंस आती है और बेला को रेस्क्यू कर लेते हैं, लेकिन इन सभी भयानक इंसिडेंट की वजह से बेला बहुत ही ज्यादा सदमे में थी। एक पुलिस ऑफिसर एलेक्जेंडर की डेड बॉडी को चेक करने जाता है, लेकिन यहाँ पर एलेक्स पुलिस पर हमला कर देता है, मतलब कि एलेक्स अभी तक मारा नहीं गया था और ये सभी मर्डर अब कभी भी नहीं रुकने वाले थे। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी में हमने देखा कि जोना को अपनी वाइफ मिलाना और हैंक के अफेयर के बारे में पता चल गया था और ये भी पता चल गया था कि एलेक्स उसका नहीं हैंक का बेटा है। इस तरह गुस्सा होकर जोना ने एलेक्स को चेन से पेड़ पर बांधकर वहीं पर मरने के लिए छोड़ दिया था। फिर मिलाना और हैंक का मर्डर करके उसको छुपाने के लिए ऐसी कहानी बनाई थी कि मिलाना और हैंक मेक्सिको भाग चुके हैं और फेक लेटर भी उसी ने बनाया था। हैंक की वाइफ केट ने यह सब कुछ सच मान लिया था और इस धोखे को वो बर्दाश्त नहीं कर पाई थी और उसने सुसाइड कर लिया था। लोरा असल में केट और हैंक की बेटी थी और एलेक्स मिलाना और हैंक का बेटा था, मतलब कि लोरा और एलेक्स एक ही फादर के बेटे थे। जोना की वजह से एलेक्स और लोरा ने एक ही पल में अपनी माँ को खो दिया था और दोनों ही अकेले पड़ गए थे। अकेलेपन में एलेक्स भी जानवरों की तरह बड़ा हुआ और लोगों को मारने वाला एक दरिंदा बन गया था। लोरा भी अकेलेपन में एक साइको ही बन गई थी और इतने सालों से वो अपने भाई एलेक्स को आजाद करने के लिए उसको ढूंढ रही थी। फिर एक दिन लोरा को ये मौका मिल भी गया था और उसने एलेक्स को चेन से आजाद किया था और तब से दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर लोगों को मार रहे थे। उन दोनों ने जोना को भी मारकर अपना बदला ले लिया था, लेकिन यहीं पर उनका बदला नहीं रुका था। वे लोग आगे भी लोगों को मारते रहे या फिर चेन से बांधकर उनको जानवर की तरह अपने पास में रखते थे। एलेक्स इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि कई बार वार करने पर भी वो नहीं मरता है और मूवी के आखिरी सीन में हमने यही देखा कि एलेक्स अभी भी जिंदा है। तो दोस्तों, ये था बीवेयर मूवी का एक्सप्लेनेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।